नमस्कार, आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं जो न्यू रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वह है वेज पोहा बॉल्स, जो कि लो कैलोरी फैट है और खाने में बड़े ही टेस्टी होते हैं। तो बनाते हैं वेज पोहा बॉल्स और देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उबला हुआ एक आलू लिया है, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, थोड़ा सा दही लिया है 2 बड़े चम्मच, एक बारीक कटा हुआ प्याज है और यह पोहा है जिसे मैंने पानी से अच्छे से धोकर इसका पानी निकाल दिया है, तो ये एकदम मैशी हो चुके हैं। नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अमचूर। सबसे पहले बड़े बाउल में हम पोहा डाल देंगे। तो पोहा मैंने 250 ग्राम्स लिया है, यानी कि बड़े वाला एक बाउल पोहे का है। एक आलू, एक शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, नमक स्वादानुसार, धनिया पाउडर 2 चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चम्मच। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, जैसे कि सभी मसाले और आलू भी इसमें अच्छे से मैश हो जाए। तो मैंने हाथों से इन्हें अच्छे से मैश कर दिया है। अब इसकी बाइंडिंग करने के लिए हम 2 छोटे वाले चम्मच दही के लेंगे, जिससे कि वेज पोहा बॉल्स अच्छे से बन सके। तो अब मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो आप चाहें तो छोटी या बड़ी, जैसे भी आपको पसंद हो वैसी बॉल्स आप तैयार कर सकते हैं। बस इनको राउंड शेप में बॉल्स का आकार दे देना है। ऐसे ही वन बाय वन मैंने सभी बॉल्स तैयार कर ली हैं। तो अब वेज पोहा बॉल्स तैयार हैं। अब हमें इन्हें स्टीम करना है। तो मैंने इडली वाला सांचा लिया है, इसे हम थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर देंगे और इस पर हम वन बाय वन सभी में बॉल्स रख देंगे। हम इन बॉल्स को स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने से हमारी जो रेसिपी तैयार होगी वह लो कैलोरी की रेसिपी तैयार होगी। हम इन बॉल्स को तेल में डीप फ्राई नहीं करेंगे। अब मैं इनको स्टीमर में डाल दूंगी और इन्हें हम कम से कम 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। जब तक ये स्टीम होते हैं तब तक हम आज की टिप देखते हैं। डोसे के चावलों में यदि उबले हुए थोड़े चावल मिला दिए जाएं और पीस दिए जाएं तो डोसा अधिक करारा व पतला बनेगा। 10 मिनट हो चुके हैं, बॉल्स बनकर तैयार हैं। इन्हें हम चाकू की सहायता से कट लगा के देख लेंगे। ये देखिए, ये एकदम बॉल्स तैयार हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तो मैंने सभी बॉल्स को प्लेट में निकाल दिया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच राई डाली है और हींग डाल दी है और साथ में कड़ी पत्ता है 5-10 और 2 हरी मिर्च जिन्हें तिरछा काटा हुआ है। इन्हें 1 सेकंड के लिए भून लेंगे। जब ये भून जाए तब हम इसमें पोहा बॉल्स डालेंगे। तो वन बाय वन सभी बॉल्स को इसमें डाल देंगे और अच्छे से इन्हें मिला देंगे, जिससे कि तेल और राई इस पर अच्छे से मिक्स हो जाए। इन्हें अच्छे से ऊपर नीचे करके अच्छे से मिला देना है। इसे 2-3 मिनट मिलाएंगे। तो अब वेज पोहा बॉल्स बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसका डेकोरेशन करते हैं। अनार के कुछ दानों और सॉस के साथ मैंने इसे सर्व किया है। यह गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।